हेलो गाइज, वेलकम टू विंडो शूट्स। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम बात करेंगे बोया BY-M1 माइक के बारे में और कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो माइक आपने ख़रीदा है वो ओरिजिनल है या फेक, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, ये मैंने माइक फ़िलहाल अमेज़ॉन से मंगाया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये माइक फ़िलहाल एक ओरिजिनल माइक है, इसके बहुत सारे फेक वर्जन्स भी आते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। अब गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है और इस पे MRP वगैरह के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं दिया है बॉक्स पे, वो मैं चेक कर चुका हूँ। अब इसको कैसे पता लगाना है कि ये ओरिजिनल है? तो गाइस, यहाँ पे ये जो आप ये स्टिकर देख रहे हो, ये इसका ओरिजिनलिटी को बताता है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा रहता है इस होलोग्राम के ऊपर यहाँ पे, जिस पे लिखा रहता है स्क्रैच करने को। तो पहले आपको करना है उसे स्क्रैच। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेसिड्यू है, तो वो स्टिकर इस लोअर पार्ट पे स्क्वायर के यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है। उसको स्क्रैच करने के बाद ये QR कोड पूरा नज़र आने लगेगा, वरना ये ऐसा दिखता है, छुपा रहता है। तो ये QR कोड दिखने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में इसे स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको लगेगी स्कैनर वाली ऐप। अगर आपके पास MI का फ़ोन है जैसे मेरे पास है, तो ऑलरेडी आपको इनबिल्ट स्कैनर मिल जाएगा। आप बस यहाँ पे लिखिए स्कैनर, ये देखिए ये स्कैनर ऐप है। अदरवाइज आपको ये स्कैनर की ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। स्कैनर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको देखिए इस कोड को स्कैन करना है। अब आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रखना है अपना फ़ोन, क्योंकि ये बोलेगा गो टू वेबसाइट, तो ये वेबसाइट खोलने के लिए आपसे पूछता है। तो इंटरनेट से फ़ोन को कनेक्टेड रखिए, क्लिक करिए गो टू वेबसाइट। तो अब ये साइट खोलेगा बोया की, जहाँ पे इस कोड को हम वेरीफाई करेंगे। अब देखिए ये पेज खुलता है, कई बार ये पेज एरर देता है और इमीडिएटली काम नहीं करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शुरू में, और थोड़े टाइम के बाद ये काम, 10-15 मिनट बाद मैंने दोबारा ट्राई किया था, तब काम किया था। देखिए स्कैन करते ही ये एक सिक्योरिटी कोड खुल जाता है और यहाँ पे आ जाता है बटन इंक्वायरी का, और लिखा रहता है थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट, प्लीज़ यूज़ दिस सिस्टम टू वेरीफाई द प्रोडक्ट। तो आप बस इस बटन पर करिए क्लिक और अब ये चेक कर रहा है सिस्टम में। तो कभी कभी ये चीज़ एरर भी देती है, बट ये देखिए यहाँ पे आ गया है दिस काउंटरफिट कोड हैज़ बीन क्वेरीड, और यहाँ पे लिखा है द सिक्योरिटी कोड यू हैव चेक्ड वॉज फर्स्ट क्वेरी टाइम 16 अक्टूबर, और यहाँ पे लिखा भी है बिवेयर ऑफ द काउंटरफिट। तो ये जो प्रोडक्ट है गाइज, ये वैलिडेट हो गया है और ये बताता भी है कि ये पहली बार कब क्वेरी हुआ था। तो ये 16 अक्टूबर को पहली बार क्वेरी हुआ था, और तब भी मैंने ही इसको चेक किया था एक बार पहले, और अब ये दोबारा चेक हो रहा है। तो आपको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं, और भी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं इस तरह से। कई बार ये पेज आपको एरर भी दे सकता है, उस केस में आपको दोबारा से इस चीज़ को ट्राई करना है। और गाइज़, ये जो कोड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिवाइस पे, जो मैच करता है। सो गाइज़, ये तरीका इस माइक को वेरीफाई करने का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अमेज़ॉन से लीजिए और उन सेलर्स से लीजिए जो कि प्राइम सेलर्स हैं, जिससे कि अगर आपको फेक प्रोडक्ट मिलता है तो आप उसे रिटर्न कर सकें, और इस तरह से कोड को स्कैन करके आप चेक कर पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। आने वाले टाइम में मैं इसकी अनबॉक्सिंग और कुछ ऑडियो सैम्पल के कंपैरिजन भी बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।